सो हेलो गाइस, तो आज की जो इस वीडियो है, कोई डेंटल रिलेटेड वीडियो नहीं मैं बना रही हूँ। ये वीडियो एक सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए और आप लोगों से बात करने के लिए मैंने बनाई है, जो कि है कि आजकल आपने देखा है, अभी रिसेंटली जो हुआ है कोलकाता में रेप जो हुआ है, तो उस घटना से ना हम लोगों को पर्सनली, मुझे और मतलब मोस्टली आई थिंक मुझसे अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत सारी वुमेन्स को पर्सनली इसने अंदर तक झिंझोर दिया है कि ऐसा क्यों, वर्किंग प्लेस में भी क्या अब औरतें सेफ नहीं है? इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है देश, कहाँ औरतें चांद पे जा रही है और कहाँ ये सब घटना हो रही है। तो अभी भी मतलब पहले हम सोचते थे कि नहीं, औरतों को, बच्चों को पढ़ाया जाए, हर किसी को एजुकेशन दी जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है, सबको दी गई है और उसकी वजह से सब लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हर कोई वर्किंग है, चाहे वो इतना एजुकेशन में हो ना हो, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में वो लोग काम करते हैं, चाहे लेबर वाले हो या फिर कोई बड़े अधिकारी हो। लेकिन ये जो घटना जो हुई है, ये बहुत अनएक्सेप्टेबल है। मीन्स इसको हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे कि क्या वर्किंग प्लेस में भी क्या औरतें ऐसे अनसेफ फील करेंगी, ये अनसेफ रहेंगी। तो मेरा तो ये थॉट प्रोसेस है, मेरे मन में ये आ रहा था कि पता नहीं ऐसे क्यों है और कितना उसके पेरेंट्स को जिसके साथ एक घटना होती है, गाइस कितना ज़्यादा माँ बाप की क्या कंडीशन होती होगी कि उनके बच्चों के साथ ये सब चीज़ें हुई। तो ये ऐसे सिख मेंटेलिटी के पीपल, मतलब लोग अभी भी हमारे समाज में मौजूद है जो ऐसे गंदा सोचते हैं, जो जिनका इतना गंदा मेडिकल डॉक्टर की जो रेप हुआ है, उससे इन लोगों की मेंटेलिटी पता चलती, क्या इनकी सोच है, क्या सोच के ये लोग ऐसा, इनको बिल्कुल कुछ ह्यूमेनिटी नहीं है इन लोगों के अंदर, के इंसानियत भी नहीं है जिस तरीके से ये लोग किसी ह्यूमन के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। तो मेरा ये मन में ये आया कि एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि ये सब चीज़ें अनएथिकल है और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सारी वुमेन्स को, हम सभी लोगों को अपने थोड़ा सा और कि एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इससे फाइट बैक करने की ज़रूरत है।